ग्लास ब्रिज पे हम लोग जा रहे हैं तो हेलो गाइस, ये है ग्लास ब्रिज और यह ग्लास ब्रिज शीशे का है, मतलब कि यह ब्रिज शीशे का बना हुआ है जिसमें एक तरफ से सपोर्ट है और दूसरी तरफ से सपोर्ट नहीं, मतलब एक शीशे का लोहे का फ्रेम है और उस लोहे के फ्रेम के ऊपर शीशा रखा गया और शीशा के नीचे ये लंबी लंबी वायर गई है, जिस वायर का मतलब है कि अगर ये शीशा कहीं से टूट जाता है तो आदमी बच जाएगा, मतलब इस वायर से फंस के। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं कि यह शीशा टूटता है, यह शीशा बहुत ही मजबूत रहता है। और देखिए यह धीरे धीरे हम लोग जितना आगे जाएंगे, देखिए इसकी सीनरी देखिए कितनी सुंदर लग रही है, हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे और जितना आगे जाएंगे धीरे धीरे वो क्या होता जाएगा, गहरा होता जाएगा, मतलब कि हम लोग एक तरह से एकदम टॉप से एकदम आगे जाएंगे जहाँ पे एकदम खाई देखिए बढ़ती जाएगी। जितना आगे हम लोग जाते जाएंगे खाई उतनी आगे बढ़ते जा रही है। देखिए हम लोग अभी इसके आगे एक गोल चक्र बना हुआ है, जिस चक्र से अगर आप नीचे एक बार देखते हैं, अगर कोई दिल का कमज़ोर है तो वो तो पक्का डर जाएगा। जहाँ पे देखिए आगे वो लोग खड़े हैं, यहाँ इस पुल पर केवल एक बार में 15 से 20 लोग ही मतलब अलाउ हैं, इससे ज़्यादा इस पुल पर नहीं अलाउ, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा इस पुल पर अलाउ हो जाएंगे तो क्या पता इस पुल टूट भी सकता है। तो देखिए ये है गोल चक्र और हम लोग इस गोल चक्र पे पहुंच गए। देखिए यहाँ कहीं सपोर्ट नहीं है, एकदम सपोर्ट नहीं, बस इसको एकदम लोहे की तार से ऊपर से बांधा गया है और यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं। लेकिन अब देखिए नीचे का नज़ारा, हम लोग कितना ऊपर है और शीशे पे खड़े हुए हैं, मतलब एक काइंड से जैसे लोहे का ब्रिज बनता है, बस ये लोहे का ब्रिज बनाकर इस पे शीशा रख दिया गया है और कुछ खास नहीं है। लेकिन अगर आप वहाँ जाके देखिए, अगर आप वहाँ जाके ऐसा कुछ करते हैं तो बहुत ही एक तरह से एक्सपीरियंस मिलता है। आई थिंक गाइज आप लोग नज़ारा आप लोग को बहुत ही सुंदर लग रहा होगा और आप लोग नीचे अगर आप लोग वहाँ रहते और एक्सपीरियंस करते तो क्या गजब ही एक्सपीरियंस होता। और मैं इसको अपने कैमरे से तो दिखाने की बहुत कोशिश किया हूँ कि एक भी पार्ट छूटे ना, लेकिन जो वहाँ जा के एक्सपीरियंस मिलता है वो किसी कैमरे में किसी मोबाइल में रिकॉर्ड नहीं हो सकता सर। तो गाइज आप लोग यहाँ पर ज़रूर आइए, ये है राजगीर और ये राजगीर में ग्लास ब्रिज नाम से प्रसिद्ध है। बस एक ही बात की दिक्कत हो जाती है कि यहाँ पर टिकट लेने का बहुत समय लग जाता है, मतलब आप लोग को 4 से 5 घंटे केवल टिकट लेने में समय लग जाता है। तो एक बार आप लोग ज़रूर आइए यहाँ पर विजिट करिए और काफ़ी सुंदर है राजगीर। राजगीर को लोग बोलते हैं कि यह बिहार में है, बिहार में कुछ घूमने लायक नहीं, लेकिन अगर आप लोग जाएंगे तो राजगीर में एक से एक टूरिस्ट प्लेस मिलेंगे जो और कहीं स्टेट में नहीं है।
लगेगा आपसे। अरे इसमें कौन सी डरने वाली बात है? अरे अगर टूट गया तो? रुको साथ में चलो। इकट्ठे नहीं होगा। लगा हुआ। आगे का बैठ। स्किल लड़ाई चल। ये धीरे। आगे बढ़ रहा है। भाई लग तो रहा है कुछ भाई बजाओ। नहीं हम नहीं चल पाएंगे। पकड़ लो इसको पैर। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। शीशे वाले पुल पे है अभी वो यार लग रहा है। उधर देखिए पापा कितना मस्त लग रहा है। और मेरा फोटो खींचे तो